गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल अश्विनी दी एडवेंचरर। सुबह के बज गए 6:15। हम हैं श्रीनगर में, तैयारी है निकलने की, लंबा सफ़र है, देखते हैं कहां तक कवर होता है। और सुबह सुबह का मौसम आप अभी डल लेक से होते हुए गुजरेंगे, देखिए जरा कैसा होता है। हमारी ऑल पैकिंग सब तैयार है, ये भी तैयार है, ऑल सेट, बाग दोनों सेट है, ये भी सेट है। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हम अपने डेस्टिनेशन पर सेफली, बहुत आराम से, टाइम से पहुँच जाएंगे आज भी। चलिए दोस्तों निकलते हैं फटाक। पहुँचने वाले हैं काजीगुड़ टनल के पास। हमें कुछ 1.25 घंटा हो गया श्रीनगर से निकले हुए, और हमने 60 किलोमीटर ये और 80 किलोमीटर के आसपास हमने सफ़र तय कर लिया 1.5 घंटे के अंदर। और आज का हमारा जो टारगेट है, हम सोच रहे हैं कि हम पहुँच जाएँ पठानकोट तक, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें वहाँ से 250 या 350 के आसपास और बचेगा। अदरवाइज़ हम आज अगर कम डिस्टेंस कवर करते हैं तो कल हमारे लिए बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आज कवर कर लें ताकि हम कल आराम से पहुँच जाएँ। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था गाड़ी से तो मैं 1 टेक श्रीनगर से चंडीगढ़ ले गया था। 3 किलोमीटर जवाहर टनल दिखा रहा हूँ, 19 बनिहाल, रास्ता तो यही है, आगे देख के चलते हैं क्या होता है। भाई बहुत टाइट सिक्योरिटी है यार यहाँ पर। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, श्रीनगर में मैंने बड़ी नोटिस करी, अगर J&K पुलिस ने कोई बैरियर लगा रखा है या नाका लगा रखा है तो वो सिर्फ J&K से बाहर की गाड़ियाँ सबको चेक करते हैं, लेकिन अगर इंडियन आर्मी ने या CRPF ने या किसी सेंट्रल पुलिस फोर्सेज ने अगर कोई नाका या बैरियर लगा रखा है तो वो सिर्फ J&K की गाड़ियाँ ही चेक करते हैं, बाहर की कोई गाड़ियाँ चेक नहीं करते। अब इसके पीछे क्या राज है ये तो वही जानते हैं, मैं तो बस अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, डिफरेंट चीज़ है। वे नंबर 1 बनिहाल 16 किलोमीटर, रामबान 55, जम्मू 175, दिल्ली 792। दिल्ली चला गया। अरे दोस्तों, श्रीनगर की साइड से हम लोग एंट्री कर रहे हैं काजीगुड़ बनिहाल टनल। लास्ट टाइम जब हम अक्टूबर में आए थे तब ये नई बनी थी। 8.45 किलोमीटर यानी कि 8.5 किलोमीटर के आसपास है, और बहुत ही बेहतरीन काम है भाई हमारे देश की सरकारों का, इंजीनियर्स का, मतलब कमाल की चीज़ है यार। इसी तरीके से जब हम मनाली से आए थे तो अटल टनल होते हुए हम आए थे, और आप यहाँ पर भी देखिए गाड़ी वाले ऐसे भगा रहे हैं कि जैसे पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। कोई बात नहीं, भगाने दो, स्पीड लिमिट 50 की बता रखी है, लेकिन लोग इतनी तेज़ चलाते हैं। ये दोस्तों हम एकदम बाहर, कुछ 9.25 किलोमीटर का रास्ता, 10-15 मिनट लगता है पार करने में, अंदर बहुत शोर था। ये ऑल टुगेदर कश्मीर घाटी से हम बाहर आ गए। अच्छा रोड है अभी तक तो, खैर बढ़िया चल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बीच में रामबन वाला एरिया है, यहाँ पर काम चल रहा है। अक्टूबर में 2021 में ये बन चुका था, बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारे हैं। सुबह सुबह की अच्छी खिली धूप है, हल्का सर्द मौसम है, हो रहा है कुछ 8:39 के आसपास। हमारी बाइक बस बढ़िया ही चलती रहे और हम आपको यूँ ही नज़ारे दिखाते रहें। देखिए ज़रा ऊपर, आपको दिख रहा है एंगल लगा रखे हैं, क्योंकि पत्थर ऊपर से गिरने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं यहाँ पर, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा डेंजरस एरिया है। तो इसको इन एंगलों से कवर कर दिया कि अगर कल को कोई पत्थर गिरे भी तो आपके ऊपर ना आए। कई कई जगहों पर खुला पड़ा हुआ है, पहले पूरा कवर था, अभी हटा दिया थोड़ा थोड़ा क्योंकि काम चल रहा है यहाँ पर। और एक टनल मुझे लग रहा है यहाँ से कुछ थोड़ा ऑपरेटिव करने वाले हैं ये, पर ट्रैफिक तो राइट में ही जा रहा है अभी भी, देखते हैं। बस गाड़ी खड़ी हुई है, जाने नहीं दे रहे, अभी जाएंगे इधर से ही। बन रही है 2 किलोमीटर पटनी टॉप 42, उधमपुर 86, और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:51 मिनट। हाँ
हाँ देखते हैं क्या है। तो टाइम हो गया है भाई, 10 बजने वाले हैं। हाँ खाना पानी हो गया भाई, थोड़ा सा प्लान में है थोड़ा सा चेंज। पहले हम सोच रहे थे पठानकोट रुकेंगे, लेकिन अब हम सोच रहे हैं सीधे चंडीगढ़ पहुँच। तो एक बंदा और जा रहा आगे बाइक पे, क्यों, क्योंकि 7:30-8 बजे तक दिखा रहा है। हम अगर 10 बजे तक भी पहुँच जाएँ तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। थोड़ा सा बाइक इधर कर लो इसकी। अरे अरे चचा रुक तो जाएंगे, बाइक तो हटानी चाहिए साइड में। बेवकूफ बनाते हैं लोग, रोड में बाइक लगा खड़ा हुआ हाथ दिखा रहा है। चिनानी नाशरी टनल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखी गई है। ये बेसिकली पटनी टॉप को बाईपास करती है और काफ़ी सुंदर है, बहुत अच्छी टनल बनी हुई है। और इसके अंदर लाइट जला के लोग ऐसे चलते हैं इतनी तेज़ी से, यानी कहाँ चले जाएंगे। जैसे कितने किलोमीटर की लिखी है, कितने किलोमीटर लिखी है देखो, काफ़ी लंबी थी यार ये तो, काफ़ी लंबी थी। क्या नज़ारा है यार, ये पुल तब बन रहा था अब शायद बन चुका है। रेलवे ट्रैक का इससे चल रहा है काम और आगे पड़ा हुआ पत्थर। वाह वो नीचे का ब्रिज है, ये नया बन रहा है। वैसे भी एक टनल आती है और ये है रेलवे की, ऊपर से उधमपुर वाली ट्रेन जाती है उसका रास्ता है, नीचे से रास्ता है ना भाई। और देखो एक नदी सूखी पड़ी है एकदम, बहुत गर्मी है यार। उधमपुर पार करके हम जम्मू के बाईपास में हैं नगरोटा की तरफ। बज रहे हैं 12:45 और अभी चंडीगढ़ है 370 किलोमीटर, और यानी कि कुछ 7 घंटे के आसपास दिखा रहा है। हम 8 घंटे में भी अगर पहुँचते हैं, 9 घंटे में भी पहुँचते हैं, ब्रेक ले लेके चलेंगे आराम से, कोई इशू नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम बिल्कुल एक्सट्रीम टेम्परेचर से, जहाँ की बिल्कुल ही फ्रीजिंग हो रखा था, वहाँ से अब बिल्कुल ही हॉट में आ चुके हैं। तो यहाँ पानी की हमें ब्रेक जरूर लेने पड़ेंगे, हाइड्रेट रखना बड़ा ज़रूरी है। हम लोगों ने रखा भी है अपने साथ एक, लेकिन अब वो अंदर खोलना पड़ेगा यार, कोई बात नहीं। थोड़ी जल्दी ख़त्म करते हैं, ब्रेक लेते हैं और फिर निकलते हैं आगे की तरफ। हम जाते हुए रुके थे पहले, फिलहाल अपने पास थोड़ा समय की पाबंदी है, जब से भी जा सकते हैं। रेस्टोरेंट है, खाने पीने के, इनफैक्ट स्टे भी अंदर। घाटा लूप्स, स्मॉल बेबी लूप्स, जौसी वाले वो तो हम लेह में छोड़ा है लद्दाख में। ये छोटे से घाटा लूप्स हैं, बेबी लूप्स, क्योंकि अभी हमें उतर के देख रहा है आपको वो वहाँ जाना है, ऐसे 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 करके उधर जाना है। ये लूप्स भी सही हैं वैसे तो, पर काफ़ी अच्छे चौड़े बने हुए हैं ये तो। पहाड़ों वाले तो बहुत नैरो होते हैं यार ऊपर। 525 भाई टेम्परेचर हो रहा है 42 डिग्री, हमारा फ़ोन भी ओवर हीट हो रहा है, गाड़ी में भी हीट फील हो रही है, हमारे अंदर भी हीट फील हो रही है। कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं कि हमारी गाड़ी घर पर चलेगी, बहुत बेहतरीन चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गाड़ी सूखी हुई है, सारे पेड़ मुरझाए हुए हैं, लोग पानी पानी लाइन में उतरे हैं। देवी कंस्ट्रक्शन से यहाँ सभी है। जय माता दी, नाम में जय माता दी, जय माता दी, बहुत बढ़िया। जिस जिसने आना है भाई सब लोग आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हम सभी को बोलते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर बट आई कैन सब्सक्राइब। बाय बाय।
रास्ता ही बना दिया है। ये पहले हाईवे तो काफ़ी दोस्तों रह गया कुछ 231 किलोमीटर अपना चंडीगढ़, 3 घंटे 55 मिनट और बज रहे हैं 4:24। लास्ट टाइम हम यहीं रुके थे बर्गर किंग पे, तो हमने कहा थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, वॉशरूम वॉशरूम जाया जाए, कुछ खाया पिया जाए, फिर आगे निकला जाए। चलें दोस्तों, एंट्री कर रहे हैं हम लोग बर्गर किंग में, और थोड़ा कुछ मंगाया मंगाया है, खाया पिया जाए यहाँ से। हाँ जी भाई, गर्मी बहुत है बाहर यार, इसलिए हम लोग अंदर आए हैं कहीं की बैठने की जगह हो, थोड़ा कुछ स्नैक्स वगैरह हो जाए। -4 डिग्री से हम लोग 40 डिग्री में आए हैं, बॉडी भी अडाप्ट नहीं कर रही है अभी, तो थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, तब तक हम यहाँ एडजस्ट होते हैं। अब हमारे ब्लॉग पे एडजस्ट रहिए, कमेंट करिए भाई। थोड़ा सा खाना पीना खा के, थोड़ा सा ड्राई गला करके, तबीयत एकदम दुरुस्त हो गई है, मौसम भी इतना अच्छा लग रहा है, थकावट भी थोड़ी सी उतर गई है। और अभी 4 घंटे लगेंगे अपने घर के लिए। वो देखो अपन दोनों की परछाई, हेलो दिख रही है, ज़्यादा इधर मत देखो, सामने देखो, नहीं अभी काम हो जाएगा। हरे भरे खेत पंजाब में, बस हरी और वाइट, पता नहीं यार वॉइस कैसी आ रही होगी, क्योंकि माइक का जो ऊपर का वो क्वेश्चन सा रहता है, नॉइस कैंसिलेशन भी नहीं, वो गिर गया है, अगर बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है तो यार मुश्किल हो जाएगी। बात कैसल ऐसे बनाया हुआ जैसे पुराने कोई राजा महाराज की हवेली, और ये देखो ये तो तिलिस्मी खजाना बनाया हुआ जैसे, बढ़िया यार। चंडीगढ़ का साइन आया, चंडीगढ़ के लिए एग्जिट ले लो भाई। कितना रह गया है, 138 किलोमीटर और रह गया है, 2.5 घंटे दिखा रहा है, 9:20 का एस्टिमेटेड अराइवल है, हम लोग 11 बजे पहुंच जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। थोड़ा पानी का ब्रेक लिया है, थोड़ा इसको तेल पानी भरवाया, टॉपअप किया है, बहुत देर से चल रही है अभी, अब मज़ेदार भाई साहब मज़ा लेगी, सांस ले ले, मज़ा आ गया भाई। टाइम हो रहे हैं 7:30 और अभी और 1.25 घंटे 2.5 घंटे के आसपास लगेंगे, 9:30 या 10 बजे के आसपास हम लोग पहुँचेंगे घर, क्योंकि अभी है 125 किलोमीटर और चंडीगढ़ हमारा घर, तो चलते हैं दोस्तों। हमारे स्वागत में दीप जलाए गए हैं, इधर से उधर लाइटें सारी ऑन कर दी गई हैं, रात में भी एकदम दिन जैसा कर दिया है, मज़ेदार भाई। ऊपर जाओगे क्या, थोड़ा सो चलो, इतनी तेज़ चलाओगे तो भाई कैसे चलेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। गूगल मैप को भी पता लग गया रात हो गई, इनका भी कलर बदल के डार्क हो गया। चलो पूरी जर्नी पे पहला एक ऐसा आज का ट्रिप हुआ कि हम नाइट में चलाएंगे, और देखते हैं हम अपनी लाइट्स को यूज़ करेंगे आज की नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे ट्रिप पे तो हुई नहीं कहीं भी, इनफैक्ट हेडलाइट तक यूज़ नहीं हुई, क्योंकि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलते थे और शाम होने से पहले अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते थे। आज हमने एक लंबा स्ट्रेच लिया है, देखते हैं, अंधेरा हो गया है क्योंकि बज रहे हैं रात के 8, देखो थोड़ी सी रोशनी करते हैं, ये देखा भाई, ये करनी ज़रूरी है यार थोड़ी सी, क्यों क्योंकि सामने बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, एकदम अंधेरा है, यहाँ तो हाईवे है चला सकते हैं आराम से। तो थोड़ी सी लाइट की सेटिंग करिए, देखो ज़रा रात में दिन हो जाएगा अभी, ये फॉग वाली और ये मेन वाली कैसी लगी, चलो कहीं तो काम आई यार। इसकी लाइट काफ़ी अच्छी है क्योंकि फोकस सही है और सामने का पूरा विजन कम से कम 400-500 मीटर तक का बहुत क्लियर विजन है, दूर दूर तक रिफ्लेक्टर जो गाड़ियों में लगे हुए हैं वो भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसा पहले थोड़ा सा ऊपर की तरफ थी, अभी मैंने उसकी जहाँ पर वो सेटिंग है उसको थोड़ा सा नीचे किया है, तो अब सही जगह पे लगी हुई है। मुझे तो यार बड़ा अच्छा लग रहा है ये लाइट लगा के, क्योंकि कम से कम सामने विजन तो है और अच्छा विजन है, पर यह है कि आपको कॉशियसली चलानी पड़ेगी, ये बहुत ज़्यादा हाई एल्यूमिनस की है, 120 वॉट की है, तो आप अगर शहर में चलाओगे या जहाँ पर पुलिस के नाके तो वहाँ आपका चलान होगा, और ऐसे हाईवे पर तो जहाँ धूप अंधेरा हो वहाँ चला ही सकते हो, पहली बार यूज़ हो रही है। तो भैया ऐसा है
हम एंटर कर चुके हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक सभ्य शहर है, तो हमें भी सभ्यता का उदाहरण देना चाहिए। अपनी लाइट नहीं चलाएंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं है, चिल्लान हो जाएगा यहाँ पे, हर जगह पुलिस खड़ी होती है। और अभी बज रहे हैं 9:31, और आधा घंटा हमारे घर के लिए। ओहो भाई साहब, रिकॉर्ड हो गया रिकॉर्ड। हालत बर्बाद है एकदम। अभी बस घर पहुँचेंगे 10 बजे, श्रीनगर से चंडीगढ़ क्लासिक 350 बाइक पे, फुल लोडेड पिलियन राइडर के साथ। सुबह 7 बजे के निकले हैं, रात को 10 बजे पहुँच गए। कितना डिस्टेंस है बताता हूँ अभी। भाई साहब देख रहे हो, दिख रहा है, ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर, और गूगल दिखा रहा 12 घंटे 4 मिनट। हमें कितने लगे? 7:05:12 और 10:05:15। 15 घंटे लगे हमें इन टोटल, इंक्लूडिंग ब्रेक्स जो हमने कई जगह पे लिया। हर 100 किलोमीटर पे 1-1.5 घंटे पे हमने ब्रेक लिया, चाय का, पानी का, ब्रेकफास्ट का, लंच का, सब चीज़ का। मैं थोड़ा पहले सॉर्ट आउट करें, फिर मिलते हैं। हाँ जी तो क्या हाल है एडवेंचरस लोगों? सो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कल शाम को तो बिल्कुल हालत नहीं थी यार व्लॉग करने की, पर एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये थी यार कि अगर हमने कल ये पूरा स्ट्रेच जो हमने किया है, अगर ये पूरा नहीं किया होता, तो आज हमें एक और दिन एक ऐसी लोकेशन में स्पेंड करना होता जहाँ पे कुछ ऐसा खास था नहीं देखने के लिए और कोई प्रोग्राम था नहीं। तो हमने सोचा है तो जल्दी आ जाते हैं। सो दोस्तों, हमारा जो ट्रिप था कुछ 12 या 13 दिन का हुआ, हम और एक दो दिन स्पेंड कर सकते थे वहाँ पर, एक पैंगोंग में और एक सोमरीरी में। वी कुड हैव टेकन एडिशनल डे रेस्ट देयर एंड सी द एंटायर ब्यूटी। तो हमने स्टार्ट किया दिल्ली से, दिल्ली टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हम मनाली पहुंचे, मनाली से हम सरचू पहुंचे, सरचू से हम लेह पहुंचे, लेह से खारदुंगला होते हुए नुब्रा गए, नुब्रा से हम लोग पैंगोंग गए, पैंगोंग से सोमोरीरी गए, सोमोरीरी से बैक टू लेह आए, फिर लेह से हम द्रास पहुंचे कारगिल, और कारगिल से श्रीनगर, और श्रीनगर से बैक टू चंडीगढ़। तो अभी तक का सफर ये है, बाकी हम दिल्ली भी आगे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये व्लॉग भी पसंद आया, और आपको धीरे धीरे करके सारे व्लॉग अब फटाफट मिलने वाले हैं। सो बने रहिए चैनल पे, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आपको इस आने वाली सीरीज का एक एक एपिसोड, हर लोकेशन, जो जगहें हमने एक्सप्लोर करी है, आप बिल्कुल भी मिस ना करिए, और बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू, गुड बाय।